Question number 15, first part. Name the method used for refining of zirconium. Zirconium की refining के लिए जो method use होता है उसको हम Van Arkel method कहते हैं. इसके अंदर zirconium को हम iodine के साथ react करवाते हैं to form ZrI4 और फिर हम इसको further heat करते हैं जिससे ZR और 2I2 बन जाता है. इससे हमें प्योर ZR मिल जाता है क्योंकि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करती और आयोडीन को हम रिलीज़ करवा देते हैं और ZR हमें प्योर फॉर्म में मिल जाता है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ CO इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. CO एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. सो हमारा जो ओर होता है वो Fe2O3 होता है. तो जब हम Fe2O3 को CO के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमें प्योर आयरन मिल जाता है और CO CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और एस्केप कर जाता है. Why is the reduction of metal easier in liquid state? When the metal is in a liquid state, तो उसकी एंट्रॉपी जो है वो उसकी सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका डेल्टा एस जो है वो ज़्यादा है क्योंकि दोनों की फाइनल स्टेट तो सेम है और इनिशियल स्टेट में क्योंकि लिक्विड की ज़्यादा है तो दोनों का डेल्टा एस जो है वो लिक्विड के लिए ज़्यादा होएगा देन डेल्टा एस फॉर सॉलिड. अब टी डेल्टा एस भी लिक्विड के लिए ज़्यादा होएगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड. डेल्टा जी जो होता है मेरा वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है. डेल्टा एच दोनों के लिए सेम है तो डेल्टा जी जो है वो लिक्विड वाले केस के लिए ज़्यादा नेगेटिव होएगा. दैट मीन्स इट इज़ मोर फेवरेबल व्हेन वी हैव अ लिक्विड. तो इसलिए इट इज़ ईजियर टू रिड्यूस मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स व्हेन दे आर इन लिक्विड स्टेट इन कंपैरिजन टू देयर सॉलिड स्टेट. क्वेश्चन नंबर 16. Give reasons. Chemistry of actinoids is more complex than that of lanthanoids. इसका main reason ये है क्योंकि actinoids हमारे radioactive होते हैं और actinoids में एक दूसरे से ज़्यादा difference नहीं होता उनकी properties में क्योंकि shielding effect जो होता है उसकी वजह से उनकी properties एक दूसरे की एक बिल्कुल similar होती है. उनका size भी similar होता है. लैंथेनॉइड्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं होते इसलिए उनको कंपैरेटिवली स्टडी करना आसान है. सेकंड क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. ट्रांजिशन मेटल्स के पास काफ़ी सारे हाफ फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं और उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस भी फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ डेटिव बॉन्ड. राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P. पहले तीन इलेक्ट्रॉन्स तो T2G में जाएंगे फिर जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके पास चॉइस है या तो वो पेयर करे या वो EG में जाए क्योंकि डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन P तो उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होएगा कि वो पेयर कर ले इन कंपैरिजन टू गोइंग टू EG तो इसलिए वो पेयर कर लेगा तो उसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी T2G4 EG0. क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 2. दिस इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल NiCO4 इज डायमैग्नेटिक.
NiCl4 में निकल जो है वो +2 में, तो वो D8 3D8 4S0 में. उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी क्योंकि Cl जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसलिए उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है और वो पैरामैग्नेटिक है. अब NiCO4 में निकल 0 में, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 4S2. क्योंकि CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये 4s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे जंप कर देंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D10 हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड है, तो इसलिए NiCO4 इज़ डायमैग्नेटिक क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है.